प्रभु श्री राम मर्यादा के साथ साथ भाग्य के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। वनवास मिलने पर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, पिताजी गलत हैं, धर्म के अनुसार हमें उनका विरोध करना चाहिए। तब श्री राम जी उन्हें समझाते हैं और मना करते हुए कहते हैं, देखो मैं भी राजा बनने वाला था और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वन जाने वाला हूं। जिस तरह यह सब कुछ हुआ है ना, उसका कोई तर्क ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिससे माता कैकेयी को कोई दुख पहुंचे, और उन्हें हमेशा माता कौशल्या के समान ही माना है, और उन्होंने भी मुझ में और भरत में कभी कोई अंतर नहीं किया। तो उनके मन में ऐसा कोई विचार आए कि मुझे दुख हो, ये तो तर्क संगत ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मेरा भाग्य मुझे किसी और मार्ग पर ले जाना चाहता है, और जब तक मैं उस मार्ग पर न चलूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस उद्देश्य के लिए बना हूं। इसीलिए इस समय वनवास करना बिल्कुल उचित है। यानी कि राम जी भी यही कहते हैं कि हमें ब्रह्मांड की योजना पर सदैव विश्वास करना चाहिए। जय जय सियाराम।